हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तितली। आई एम प्रियंका और आज का वीडियो होने वाला है इस मेकअप लुक पर जिसे मैंने स्पेशली ईद के लिए क्रिएट किया है। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप स्वेट प्रूफ मेकअप लुक, सो मेक श्योर कि आप ईच स्टेप अच्छे से फॉलो करो क्योंकि इसका जो बेस है मैंने काफ़ी डिफरेंट तरीके से किया है। एंड मेक श्योर इफ़ यू न्यू हियर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ मॉइस्चराइजिंग। सो आपको अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज करना है। मेक श्योर अच्छे से आप मॉइस्चराइज करें क्योंकि काफ़ी मैट होने वाला है, स्वेट प्रूफ लुक है ये। उसके बाद मैंने लिप बाम लगा लिया और उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं यूज़ करूँगी लूज़ पाउडर। इसे मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी अपने स्किन पर, सारे एक्सपोज्ड एरिया में मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी। गाइस, सभी प्रोडक्ट के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएंगे। और इसे अप्लाई करने के बाद आपको यूज़ करना है सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे आप अच्छे से स्प्रे कर लीजिए फेस पर और लीव इट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स तो ज़रूर छोड़ दीजिएगा। एंड डोंट यूज़ एनी स्पॉन्ज फॉर दिस, आपको एयर ड्राई करने देना है। नाउ आई विल फिल इन माई ब्राउज यूजिंग द फॉकेल्योर ट्वाइलाइट पैलेट। इसमें मैं अपने इन दोनों शेड्स को मिक्स करूँगी और अपने ब्राउज को नेचुरली फिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। उसके बाद ये कंसीलर ले रही हूँ निक्स का। इसे मैं अपने आईलिड्स को प्राइम करने के लिए यूज़ करूँगी एंड ऑल्सो अंडर माई ब्राउज, ताकि मेरे आईब्रोज लिफ्टेड लगें। इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से ताकि ये मेरा एक आई शेडो का बेस बन सके। और इसे मैंने एक छोटे से ब्यूटी स्पॉन्ज के साथ लेकर ब्लेंड किया है और एक पाउडर के हेल्प से या कॉम्पैक्ट के हेल्प से इसे आप सेट कर लीजिए। उसके बाद मैं ले रही हूँ मेरा फॉकेल्योर का ट्वाइलाइट पैलेट और उसके बाद मैं इसका ये शेड लेकर अपने लिड पर लगाऊंगी, ओनली ऑन माई लिड, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर। आपको इसे सेंटर में प्लेस करना है। फिंगर के हेल्प से बहुत अच्छा पिगमेंटेशन मिलता है, कंट्रोल मिलता है प्रोडक्ट पे, तो फिंगर यूज़ करना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। उसके बाद आपको सेंटर से लेकर इनर कॉर्नर तक जाना है और आपको बहुत ज़्यादा आउटर वी पे इसे नहीं ले जाना, खाली लिड पे प्लेस करना है और क्रीज तक भी नहीं जाना है क्योंकि हम वहाँ पर मैट आई शेडोज को लगाकर अच्छे से क्रीज पे ब्लेंड करेंगे। नाउ आई विल टेक दीज टू शेड्स, दिस शेड एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश पर लेकर मैं इसे अपने क्रीज में अप्लाई करूँगी। इस तरीके से सेंटर से इनवर्ड जाऊँगी अपने आईज़ के और इस तरीके से ब्लेंड करूँगी। इस ब्रश के ऊपर भी मैंने अच्छे से एक वीडियो बनाया है, वो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगी। लाइक दिस मैं इसे लाइट स्ट्रोक्स दूंगी अपने आउटर वी पे और इसे इस तरीके से क्रीज पे ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद आपको लेना है एक डार्कर शेड टू इंटेंसिफाई द लुक और ये डार्क ब्राउन शेड मैं लेकर अपने आउटर वी पे प्लेस करूंगी। आप देख लीजिए वो एक लाइटर टू डार्कर शेड आता है तो काफ़ी सुंदर लगता है आई शेडो और इसे मिड वे क्रीज तक लेके जाऊंगी। नाउ आई विल कर्ल माई लैशेज और उसके बाद हम लगाएंगे अपना लाइनर। तो इसके लिए मैंने लाइनर लिया है NYB का। एक विंग लाइनर बनाने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप आउटर अपना आई शेडो जहाँ कम्प्लीट हुआ है वहाँ एक स्ट्रेट लाइन या एक विंग बनाइए। उसके बाद आईब्रोज के हाईएस्ट पॉइंट के जस्ट बिलो लैश लाइन के वहाँ एक डॉट क्रिएट कर दीजिए और उसके बाद इन दोनों को आप जॉइन कर लीजिए। जॉइन करने के बाद जो एरिया है, जो गैप रहेगा उससे फिल इन कर लीजिए। फिर आपके इनर कॉर्नर से लेके लैश लाइन के एज क्लोज एज पॉसिबल आप इसे ड्रॉ कर कर अपने मिड पॉइंट पर जॉइन कर लीजिए और जितने भी गैप है उससे अच्छे से फिल कर लीजिए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अप्लाई अ विंग लाइनर एंड इट बिकम्स सो ब्यूटिफुल। अब मैं अपना मस्कारा यूज़ करूँगी और निक्स का मस्कारा मैंने यूज़ किया, खाली अपर लैशेस पर लगा रही हूँ क्योंकि मैं फॉल्सेस भी लगाऊंगी, इसलिए मैंने खाली टॉप एक ही कोट दिया इसका और ऑफ कैमरा मैंने फॉल्सेस लगा लिया। सो अब हम यूज़ करेंगे अपना प्राइमर और उसके लिए मैंने फॉकेल्योर का फेस प्राइमर लिया है विच इज़ अ मैट प्राइमर। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ऑयली जोन हम इसे लगाएंगे। सो जहाँ जहाँ आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो सबसे पहले वहाँ लगाएं जहाँ ऑयल सिक्रेशन होता है। उसके बाद आप अपना फाउंडेशन ले लीजिए। मैंने मेबेलिन का 24 और फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ किया है, डॉट्स बनाते हुए पूरे फेस पर लगाऊंगी एंड इमीडिएटली इस फाउंडेशन को विद अ डैम्प स्पॉन्ज मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये जो फाउंडेशन है वो ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, बट ड्राई स्किन वाले 100% इसे अवॉइड करिए। And oily skin or combination skin also make sure that you are blending it quickly after you apply it because it tends to become cakey. So मैं अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। सारे एक्सपोज एरिया में मैंने इस फाउंडेशन को लगाया है। आई एम नॉट इवन लिविंग माई ईयर्स, मैंने ईयर्स पे भी इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। तो ये इससे मुझे ना एक्स्ट्रा कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे मैं खाली अपना हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ऑन माई हाइस्ट पॉइंट एंड ऑन माई हाईलाइटिंग पार्ट्स। यहाँ इस तरीके से ट्राइंगल बनाया मैंने अंडर ऑफ द आई, क्यूपिड बो पे लगा लिया कंसीलर को, और उसके बाद अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड मेरे आईब्रोज के आँच पे इस तरीके से एक छोटा सा ब्लेंडर लूँगी या एक ब्यूटी स्पॉन्ज आप ले सकते हो, और उसके बाद आप इसे ब्लेंड आउट कर लीजिए। आपको ट्राइंगल वे में ही इसे ब्लेंड आउट करना है आइज़ के अंडर, ताकि आपका फेस काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो। उसके बाद आफ्टर ब्लेंडिंग एवरी थिंग आउट, मैंने जितने भी पॉइंट्स पे लगाया था मैं अब कर रही हूँ बेकिंग अंडर ऑफ द आई। रेस्ट अपने फेस पर बहुत ज़्यादा मैं पाउडर या कॉम्पैक्ट नहीं लगाऊंगी, खाली हाइलाइटेड पॉइंट्स पर हल्का सा इसे डैब कर लूँगी। और रिवर्स कॉन्टूरिंग के लिए भी मैंने हल्का सा यही पाउडर को अप्लाई किया। नाउ आई एम टेकिंग माई फॉक्यूलर स्टिक कंसीलर, और इसे मैं जस्ट अपनी चीक बोन्स के वहाँ कॉन्टर करने के लिए लगाऊँगी, अपनी नोज़ को कॉन्टर करने के लिए लगाऊंगी, एंड लाइकवाइज मैं अपने जॉ लाइन पे और अपने फोरहेड पर भी इसे लगाऊंगी, ताकि मेरा फेस काफ़ी स्कल्प्टेड रहे। ये ब्लेंड होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट दिस गिव्स मी अ वेरी चिजल्ड एंड स्कल्प्टेड लुक। क्योंकि मेरे अपने शेड से ये काफ़ी डार्क है, इसीलिए ये मुझे काफ़ी अच्छा स्कल्प्टेड लुक देता है, एंड दिस इज़ माय फेवरेट कंसीलर स्टिक बाय फार। सो इसे इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, और नोज़ को मैं अपने फिंगर से भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ वापस, और उसके बाद डस्ट ऑफ कर लेंगे जितना भी एक्सेस पाउडर हमने लगाया था उसे। गाइज मेरा ब्लश के लिए मैंने लिप शेड यूज़ किया था शुगर का, वही मैं लिप्स में भी अप्लाई करूँगी। इस तरीके से लिप शेड को बैक ऑफ द हैंड लेकर ब्रश में लेकर मैंने अप्लाई कर लिया था। इस लुक में मैंने ज़्यादा ब्लश पे फोकस किया है, इसलिए मैं हाइलाइटर बहुत ही सॉफ्ट ले रही हूँ। ये मैंने फॉकलियर का रेनबो हाइलाइटर लिया है, इसमें से येलो जो गोल्डन टोन जो हाइलाइटर था उसको लेकर मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगाऊंगी, जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइट करना है। ये एक डेली यूज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट हाईलाइटर है, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल चंकी ग्लिटर्स नहीं है इसमें, और आपको रेनबो हाईलाइटर मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद मैं इसे अपने सारे इनर पॉइंट्स में लगाऊंगी, ब्राउ बोन्स में लगाऊंगी, मतलब इनर ऑफ द आईज लगाऊंगी, और उसके बाद अपना लुक कंप्लीट करूंगी इस शुगर की लिक्विड मैट लिपस्टिक के साथ, जिसका शेड मैं मेंशन कर दूंगी आप लोगों को, और सेटिंग स्प्रे के साथ अपने फेस को सेट कर लूँगी, और एक स्पॉन्ज के हेल्प से सारे पाउडर प्रोडक्ट्स को मैं एक साथ में मिला लूँगी। अब मैंने वही प्रोडक्ट जो मैंने आई शेडो में लगाया था अपनी लोअर लैश लाइन में लगाऊँगी, और मस्कारा भी अप्लाई कर लूँगी। एंड हियर इज़ माई कम्प्लीट लुक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फॉर द नेक्स्ट टाइम स्टे हैप्पी, कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी, एंड कीप स्प्रेडिंग लव एवरीवेयर। बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ईद मुबारक।